चाहिए आपको? लालू जी, तो लालू जी हिसाब दे दे। ये नहीं होगा। क्या नाम है आपका, पूछ रही हूँ क्या नाम? क्या नाम है? हम भाजपा समर्थक, अरे जो भी है नाम क्या है? वैक्सीन के लिए 52 करोड़ का चंदा लिए, वो कहाँ गया? हम इनको जगह मिलेगा, बेटियों से मिलेगा, बोल रहे हैं बेटियों के लिए फंड दे रहे हैं। संत आदमी वही संत है जो गाय बेच रहा है, संत गाय बेचता है, संत गाय बेचता है। आपकी बेटी अगर मोदी जी का कोई आदमी कर जगह पड़ा ज्वल रवल्ला जैसा लोग अगर करता है तब भी आप चुप रहिएगा? उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के लिए 5 काम किए हैं। एक हिंदू, दूसरा किसी को नहीं बोलिएगा छिपे छाप। हमारे मोदी जी जो 5 साल और मौका देंगे तो बेच के खा जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपका बस हम वीडियो भी दिखा दे, एको नहीं है बहुत है, वीडियो भी दिखा रहे वहाँ से, भाजपा ऑफिस से। हाँ हम पटना में मौजूद हैं और यहाँ पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री। आप हुजूम दिखा सकते हैं, लोग उनको देखने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसा मोदी ना हुआ है ना होगा, ऐसा प्रधानमंत्री कभी हो ही नहीं सकता। फोन करने से वॉर रुक जाता है, बड़े बड़े नेता जो हैं वो टकटकी लगा देखते हैं, पूछते हैं करें कि ना करें, आप बताइए। और आप कह रहे हैं कि मोदी जी में कमियां हैं, महंगाई पे नहीं बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टकटकी लगाए लोग बैठे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। इतना तेजस्वी प्रधानमंत्री, इतना बढ़िया चमचमाता हुआ चेहरा वाला प्रधानमंत्री जो 750 किसानों को मरवा दिया, 750 किसानों को मरवा दिया, सीधा सीधा 750 किसान मारे गए। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में वोट मांग रहा था, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कहा था कि भाइयों और बहनों मेरे पिताजी चाय बेचा करते थे, मेरी माता जी दूसरे घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, भाइयों और बहनों मैंने भी चाय बेची है और आज 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 2.5 लाख का चश्मा, 2.5 लाख का चश्मा पहन करके घूम रहे हैं। जिसका बाप चाय बेचा होगा, जिसकी माँ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन की होगी, उसका बेटा 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनेगा? मैंने बाप रहे नारे में बेटा के नाम पावर हाउस कुछ भी। वो 20 लाख का पहनेगा, मेरे देश का रेपुटेशन है, मेरा बस चले तो 1 करोड़ का सूट पहनेगा। सुनिए सुनिए, देखिए देश का युवा, देश का युवा पहनेगा 200 का शर्ट, आप प्रधानमंत्री पहनेगा 10 लाख का सूट। प्रधानमंत्री में उतना टैलेंट है, हम जैसे मोदी जी है, मोदी जी जैसे 10 अरब का जूता पहने हम लोग के लिए सही है, हम लोग को दिक्कत नहीं ना है। इन लोग को दिक्कत है, ये लोग चले जाए यहाँ से, देशवासियों को दिक्कत है, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हेलो, मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट लड़ना नहीं है, हमको ये कहना है, भारत में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपना सैलरी और अपने जो गिफ्ट जो भी मिलते हैं वो भी बेटियों के लिए दान करने वाला मिला। आज तक जितने भी भारत सरकार दान नहीं करती है, जितने भी गिफ्ट मिलती है मोदी जी को वो सारा तो दान करके प्रज्वल रेवन्ना को दान किए हैं, मणिपुर को दान किए हैं, क्या को मिला है? कहाँ गए बनारस? क्या गए बनारस? बराबर जाते हैं बनारस, बनारस ही गए। एक बात हम कहना चाहते हैं, बना हुआ है और जा करके देख सकते हैं क्या बिल्कुल साफ हुआ है? साफ नहीं हुआ, पूरा क्लीन हो गया। पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है ये तो मोदी जी बता ही नहीं रहे। गाँव में कहावत है, जो दवाई जो इतना ठीक हुआ ही नहीं बोलिएगा, पीएम जन औषधि कार्यालय से लाखों बीमार जो ठीक हुआ उस पर नहीं बोलना है। पीएम केयर फंड से जो इतना लोग जो ठीक हुए कोरोना में, हिसाब तो दे दे, लालू जी हिसाब दे दे। ये नहीं होगा, पहले मेरी बात, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, पूछ रही हूँ क्या नाम है आपका, पूछ रही हूँ क्या नाम है? हम भाजपा समर्थक, अरे जो भी है नाम क्या है? लेकिन आराम
आराम से बोलिए ना, मोदी जी आएंगे चले जाएंगे, रहने सबको यही है, आराम से बोलिए ना, आराम से बोलिए भैया, आराम से बोलिए। महिला है, लड़की है, बहन है, उनका सवाल है की बहन है मेरी, बोलिए, तो बोलिए, हमारी बहन है, बोलिए क्या क्या मेरी बहन का सवाल है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट मिलता है, पैसा मिलता है, देश में लौटा देते हैं, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, पूछ रही हैं। पीएम केयर फंड का पैसा देश के नागरिकों के पास जाता है, जरूरतमंदों के, कब क्यों नहीं हिसाब दे रहे हैं फंड का? 52 करोड़ चंदा वैक्सीन के लिए, वैक्सीन के लिए 52 करोड़ का चंदा लिए, वो कहाँ गया? हम इनको हर बात का हिसाब दे सकते हैं, 250 करोड़ का चंदा लिए, उसका हिसाब भी तो देना पड़ेगा। हिसाब लीजिए ना, मैडम हम इनसे पूछना चाहते हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि लालू जी हमें सजा उनको मिला है, मोदी जी को सजा कब मिलेगा? बेटियों से मिलने नहीं गए, बोल रहे हैं बेटियों के लिए फंड दे रहे हैं, संत आदमी वही संत है जो गाय बेच रहा है, संत गाय बेचता है, संत गाय बेचता है, संत गाय बेचता है, आपका संत गाय बेचता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कह रही हैं कि बीफ कंपनियों से चंदा लेना लगा। अच्छा, बीफ कंपनी जो बोल रहे हैं सिर्फ भाजपा को ही थोड़े मिला है, गोमांस की नहीं कर रही है, चिकन उकेन के बारे में कौन इस कंपनी का, मैम गौ मांस होता है, देखिए अंधभक्तों का ज्ञान और चाइना का सामान का कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया पहले किसी को मालूम था? इलेक्टोरल बॉन्ड पे वही तो पारदर्शिता है जिसे मालूम चल रहा है कि कौन किसको चंदा दे रहा है, पहले तो कौन किसको ठेका देता था पैसा देता था, ठीक है, झारखंड में क्या हुआ, ठेका के बदले नौकरी के बदले पैसा लिया, तो फिर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपना फोटो क्यों गायब कर दिए, इसको कौन चंदा दे रहा है, पारदर्शिता है फिर, तो फिर अगर पारदर्शिता इतना है तो सुप्रीम कोर्ट काहे के लिए लतियाई बैंक के माध्यम से आया है, तो नौकरी देके जमीन लिखवा लिया, नौकरी नौकरी जमीन के बदले नौकरी, कह रहे हैं जमीन के बदले पहाड़ जो मिला है, नोट का जो पहाड़ मिला है उसका तैयारी चल रहा है गरीबों में बांटने के लिए, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी जी अपने पैकेट में रखे हैं, आज झारखंड में पकड़ाया, कह रहे हैं लूट का जो भी पैसा मिलता है, भैया ये सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुनिए ना भैया, ये कह रहे हैं कि लूट का जो पैसा मिलता है वो भी प्रधानमंत्री जनता में बंटवाना चाह रहे हैं। अच्छा, लूट का पैसा प्रधानमंत्री तो खुद देश को लूट रहे हैं जी, नहीं नहीं प्रधानमंत्री तो खुद देश को लूट रहे हैं, कहाँ नहीं लूटे हैं, आज कौन सा गरीब खुश है, रेलवे वाला वैकेंसी निकला था ना, रेलवे का वैकेंसी खा गए, बच्चों का अधिकार खा गए, बच्चों का अधिकार खा गए, अधिकार खा गए, लालू को मार के लुटेरा कोई पृथ्वी पर बैठ जा रहा है, अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बना, मोदी जी आ गए ये कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आप बताइए, मोदी है ऑप्शन, मोदी के सिवा कोई विकल्प नहीं है, राहुल गांधी विकल्प नहीं है, क्यों नहीं है मोदी जी ज्यादा पढ़ा लिखा ले, मोदी जी सर्टिफिकेट दिखाइए मोदी जी का, जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे उनका बेटा 9वीं फेल है, गलत बात है,
रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो भाई मेरी बात सुनो, हम बोले सुनो भाई मेरी बात सुनो ना, पहले मेरी भी तो सुनो, एक आदमी पूछे हम बताएंगे, दस आदमी मत पूछे, एक आदमी पूछिए, हाँ एक आदमी पूछो, पर्सनल अटैक पे मत जाओ, पूछो क्यों, अरे भैया सुनिए तो, बोलने भी दीजिए, बोलने दीजिए, देश में संविधान है भैया, सुनिए ना, अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन सकता है देश में, संविधान कहता है, तो बोलने दो भाई, बोलने दो, बोलने दे, सुन लीजिए भैया, बतिया सुनिए ना, बोलने की आदत है, सुनने की भी रखिए, देखिए अनपढ़ भी प्रधानमंत्री बन सकता है, तो राइट तो सबका है वोट देने का, वो गांव में जो भैंस चरा रहा है वो भी वोट देगा, आईएएस पीसीएस भी देगा, तो पर्सनल अटैक करने क्या मतलब है, उनको कोई पसंद है, आपको कोई पसंद है, देखिए आपको मोदी जी, आप सर्टिफिकेट मांग रही है, सर्टिफिकेट मांग रही है, यानी आप जॉब कर रही है, तो जॉब आपको कैसे मिलेगा, पढ़ लिखे तब ना, आपका सर्टिफिकेट है, आपका सर्टिफिकेट है, आपका सर्टिफिकेट है, एक एक अगर हॉस्पिटल का चूक है, हटा दिया है, हमारे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब किसी शिक्षित के सामने होते हैं तो उनके सामने बड़कपन दिखाते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है बोलते हैं, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और जो जनता के चहेते हैं, जनता के चहेते हैं, दो बार लूट रहे हैं, दस साल में, इससे पहले मनमोहन सिंह ने कॉन्फ्रेंस कितना किया था, इनको मन की बात रूम में बंद होकर करते हैं तो सामने आने में उनको डर लगता है क्या, ये तो कहते सपन इसका छीना है, तो सामने इतने सारे मीडिया क्यों नहीं आके बोलते हैं भाई, जो जनता का विकास करने के लिए दो बार जीत के आए हैं वो तीसरी बार भी जनता के वोट के द्वारा जीत कर आएंगे, देखिए विनाश का नाम विकास मत कहिए, ए भैया धक्का, ए भैया ऐसा नाम विकास कह दे, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, हमारे प्रधानमंत्री जी पटना में आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है पटना, ए अरे सूत्रो, ए भैया, ए भैया, ए भैया पटना में आ रहे हमारे, ए हमारे, ए सुनिए सुनिए, ए भैया, ए भैया सुनिए, ए भैया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पटना में आ रहे हैं, उनका वेलकम स्वागत है, ठीक है, लेकिन मणिपुर हमारा भारत का हिस्सा है कि नहीं, अभी तक वहाँ क्यों नहीं गए हैं, ये 10 साल में यहाँ से पहले क्यों नहीं आते, उन्होंने बोला था कि पटना जो कॉलेज है ना उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्यों कब बनेगा भैया, कब बनेगा भैया, दर्जा तो नहीं मिलेगा, अरे भैया जो आप करके बोल रहे हैं, आप मणिपुर की बात करते हैं, खुसरूपुर में वही कांड हो गया, आप खुसरूपुर की बात नहीं करते हैं, भैया खुसरूपुर में क्यों नहीं है, हमारे राहुल गांधी खुसरूपुर में क्यों नहीं है, गृह विभाग है हमारे, खुसरूपुर में भैया, ए भैया हम मणिपुर की बात दिखा, बिहार के हम खुसरूपुर की बात करते हैं, अभी आपके पास गृह विभाग, खुसरूपुर में क्यों नहीं गए, मणिपुर जाते हैं, अभी आपके पास गृह विभाग, ए भैया आपका दूध बंगाल में क्यों नहीं जाते, अभी आपका, ए देखिए अभी आपका मुख्यमंत्री भैया, अभी आपका गुजरात में क्यों नहीं जाते, आप जांच करवाइए ना भैया, आप बंगाल में क्यों नहीं जाते हैं, भारत में हो जी, यहां क्या हो जाएगा, सुनिए ना, आपके बेटी का पकड़ मोदी जी का कोई आदमी कर जाएगा, पर अज्वल रवल्ला जैसा लोग अगर चुप करता है तब भी आप चुप रहिएगा, उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी, प्रज्वल रवल्ला एनडीए के कैंडिडेट थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया, वो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे भूषण जी को बेटा का मिला ना टिकट भैया, भूषण जी का जो बेटा को मिला, भूषण जी पे आरोप लगा था, भूषण जी पे आरोप लगा था, और जो भी पहलवान आरोप लगाए वो गलत साबित हुए, वो चुनाव वो हार गए, वो हार गए, भूषण जी चाहते हैं दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आज पैर छू करके गोर लग रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो किस लिए लग रहे हैं, अभी जो बोले हैं, अभी जो बोले हैं, बोला दीजिए जनाब, सबको मौका मिलेगा, जनाब सबको मौका मिलेगा, अभी जो बोले हैं दूसरे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पैर छूते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री दूसरे देश के नहीं पैर छूते, हम ये बोलना चाहते हैं, पूछिए छूते कांग्रेस मुसलमान है, हिंदू में झगड़ा करता है, इधर आइए, अरे कांग्रेस वाले मुसलमान है, ए सुनिए ना, भाई मान रहे आप काहे दुश्मन मान रहे हैं, मुसलमान ये नहीं, मोदी जी के पास कुछ नहीं है, पांच चीज है, मोदी जी हमारे देश के लिए पांच चीज के, एक मिनट, मोदी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के लिए पांच काम किए हैं, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा पाकिस्तान, चौथा मंदिर, पांचवा मस्जिद, इसके बाद मोदी जी के मुंह से कुछ नहीं निकलेंगे, छठा छठा ये मंगलसूत्र, मोदी जी का सारा खेल खोल चुके हैं, सब कुछ हो गया, अगर मोदी जी को 412 तो
में क्यों हो रहा है? आप सोइए आराम से। पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? अब पूछ लेने दीजिए। ये कह रहे हैं कि मोदी की जब गारंटी थी तो रोड शो क्यों करना पड़ रहा है? मोदी जी अपने ही बल पे गारंटी दी है इसीलिए रोड शो कर रहे हैं। इनको पता होगा क्या कर रहा है। मोदी जी अपने ही बल पे गारंटी दी है। 29 साल से के लड़के से मोदी जी 29 साल का लड़का हॉस्पिटलाइज हो गया। 29 साल का लड़का थैलेसीमिया हॉस्पिटलाइज हो गया। और दिया तो कश्मीर आदम ना मोदी जी सत्तर साल के बुजुर्ग से 35 साल का जब नौजवान हार गया हॉस्पिटलाइज हो गया। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए मोदी जी कहता अरे देश वाले के बुजुर्ग से 35 साल का युवा हार गया। अरे भैया बात सुन लीजिए, बोलने का हिम्मत है ना तो सुनने का ही भी हिम्मत रखिए। 29 साल का लड़का, अरे सुनिए ना, 29 साल का जो लड़का है ना पैर टूटने के बाद भी जनता के बीच जा रहा है गाड़ी में बैठ के जनता के। मोदी जी की गारंटी, रुकिए ना, बिहार के लिए मोदी जी जो जो वादा किए थे पिछले चुनाव में उसमें कितना काम हुआ ये बता दीजिए। हम लोग चीनी मिल, मेट्रो का बात हुआ था, मेट्रो बन रहा है, मेट्रो का बात हुआ, मेट्रो बन रहा है। एम्स की बात बोले थे, पूर्णिया में कब बनेगा भैया, कब बनेगा? वो बोले थे एयरपोर्ट बन गया पूर्णिया में, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट से आते भैया, नजदीक पड़ता बंगाल से आ रहे हैं ना। देखिए 39 सीट दे, 40 में 39 सीट दिया, क्या भी बिहार के लिए कर दिए? क्या बिहार में कहां सड़क बहुत अच्छा बनवा दिया? अगर आप देखिएगा, सुनिए, रोड पे शहर में हाईवे बन गया है, लेकिन अगर गांव-गांव जाइएगा तो आपको वही कीचड़ मिलेगा, कीचड़ मिलेगा, नाली मिलेगा। गांव में विकास नहीं है, गांव में नल तक की सुविधा नहीं है। जाइए ना यहां से मुंगेर जाइए, वहां के कल में पानी तक नहीं आता है। आपको 39 सीट इसीलिए दिया गया था, आप बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्यों नहीं आज तक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? अच्छा बोलो, एक बात किसी को नहीं बोलिएगा, छिपे छाप। हमारे मोदी जी झूठ बोलने का PhD किए हैं, बता रहे। देखिए मोदी जी हमारे बिहार 10 साल प्रधानमंत्री रहा, अभी तक देखिए एम्स नहीं क्लियर हुआ, दूसरा मेट्रो नहीं क्लियर हुआ, तीसरा स्टेडियम नहीं क्लियर हुआ। आप देख लीजिए दरभंगा एम्स, हमारे मोदी जी 10 साल में पूरा क्लियर नहीं कर पाया, 5 साल और मौका देंगे तो वो बेच के खा जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, वो बेच के खा जाएंगे, पूछ लीजिए। जो भी गारंटी दी है भी पूरा नहीं किया। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बने। बेरोजगारी दूर की है, बेरोजगारी बेरोजगार जो है तो जितना भी था सब बंद हो गया मैडम। इलेक्शन के टाइम पर बोलते हैं कि सब चालू करवा देंगे। बीटा चीनी मिल बंद, मढ़ौरा बंद, सब में खटते थे आदमी। कहाँ मिला है रोजगार? रोजगार कितना बढ़िया दे दिए मोदी जी, 2 करोड़ बोले थे कि 2 करोड़ और 2 करोड़ 20 करोड़ जो है जो रोजगार मिल गया बच्चा लड़का सबको, 15 लाख खाता में, 15 लाख 2 करोड़ के बाद 15 लाख भी आया है। हाँ 15 लाख हर आदमी का खाता पर आ गया है। गैस सिलेंडर 400 मिल रहा है, गैस सिलेंडर 400 रुपया मिल रहा है, पहले 1000 रुपया था अब 400 में मिल रहा है। यही 450 में मिलता था इलेक्शन के पहले गैस सिलेंडर। खाली शो है ये, भी शो है ये, भी शो है ये, बुलाया गया है, बुलाया गया। देखिए आप जितने भी आदमी को देखिए, बेरोजगारी सच में खत्म हो गई है। सारे भाजपा के ऑफिस में जाके कार्यकर्ता बन जाते हैं, वहाँ से 500 रुपया बांटा जाता है, डेली का बांटा जाता है, बोलो का बोलने का बांटा जाता है। कि आपका भी अदर पार्टी से मिलता है पैसा, कहते बात सुनिए, आज आप बेरोजगार हैं, आप बेरोजगार हैं, लेकिन युवा हैं, आप नहीं काम करते हैं, आप नहीं काम करते हैं, मैं कैमरा आपका बस हम वीडियो भी दिखा दे, एगो नहीं है बहुत है, वीडियो भी दिखा रहे वहाँ से, भाजपा ऑफिस से, हाँ वीडियो भी दिखा। यहाँ पाने के लिए रोड शो, जॉब शो नहीं, रोड शो वही ना बोले, हमें जॉब शो चाहिए रोड से नहीं। आरोप लगा रहे, सही बोल रहे हो, वीडियो दिखा रहे, वीडियो दिखा दे। ये लड़का क्या कह रहा है दिखाओ जी, कह रहा है कि भाजपा ऑफिस से पैसा मिला, दिखाओ जी, दिखाओ। RJD वाला नहीं देता है, कांग्रेस वाला नहीं देता है, कौन नहीं देता जा रहे हैं हमारे देश, इसलिए क्यों दिया जा रहा है? हम बताते, सुनिए ना, सुनिए ना,
चुनाव शुरू हुआ था तो मन से पहले कहा गया था ये मोदी की गारंटी है, बुलेट ट्रेन की गारंटी है, बिजली देने, सुनिए ना भैया, इसकी गारंटी, उसकी गारंटी। जब गारंटी इतनी सॉलिड थी तो मछली मटन पे क्यों आ गए, मंगलसूत्र पे क्यों आ गए, बहस पे क्यों चले आए? वो चुनावी मुद्दा अगर कांग्रेस के पास, अगर वो भी इतना 70 साल में करते रहता तो बोल रहे हैं कि कपड़ा 2014 के बाद लोग अच्छा पहनने लगे, रेल भी 2014 के बाद बना है, प्लेन भी बना है, आज 2014 के बाद ही आदमी ये भी पैदा लिए होंगे, इसीलिए बोल रहे हैं। घूमू रहे हैं रोड पर, ऐसे घूमते नहीं, 6 बजे क्लोज आ जाते हैं। प्रधानमंत्री कैसे बन गए उस जमाने में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन गए ये बताइए ना। लड़कियां जब 2014 के बाद निकले, विलेज में जाके देखिए, विलेज में 6-7 बजे पहले गए, इनको इनको पता होना चाहिए। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस के टाइम में प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति। 15 साल पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, जब पहले 6 बजे के बाद कोई नहीं निकल पाता था। मैम घर से बाहर निकल जाते हैं ना, पहले 14 के पहले लोग नहीं निकलते थे, 14 के पहले भी महिलाएं रोजगार करती थी, महिला नौकरी करती थी, और हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, ठीक है ना, मोदी जी ने अधिकार दिया। आप पूछना चाहते भाई साहब से, 2014 से पहले जब लोग रोड बनाए निकलता था, अब रोड पे कैसे है इतना आदमी, ये पूछ रहे हैं। 2014 के बाद कैसे हो गया? बिल्कुल हम लोग बिहार से नहीं है क्या भाई, मतलब हम लोग बाहर से है। मणिपुर में 2014 के बाद कैसे हो गया, जब 2014 के बाद अगर मोदी जी को आने वाला होता तो मोदी जी पटना में नहीं होते, मोदी जी 400 हारने वाले हैं, 2 बार ठगाते हैं भैया, बिहारी हैं, 3रा बार ठगते हैं मोदी जी। मोदी जी से ये जो देश का है, देश संभल नहीं रहा है, अब की बार मोदी जी जाने वाले हैं, अब की बार देखिए हम लोग बिहारी हैं, 2 बार ठगाते हैं, 3रा बार पे ठग लेते हैं, बात समझिए। क्यों लगता है कि मोदी जी के काम, मत लड़िए पर्सनल मत, हमारे लिए मैम।